नमस्कार दोस्तों, फ्रांस के मशहूर अरबपति और राफेल बनाने वाली कंपनी दसों एविएशन के मालिक ओलिवियर दसों अब इस दुनिया में नहीं रहे। अचानक से उनका जो निजी हेलीकॉप्टर था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्रैश हो गया और इस वजह से वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। और ये बड़ी झटके वाली खबर है फ्रांस के लिए भी, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति खुद कह रहे हैं कि ओलिवियर दसों बहुत प्यार करते थे फ्रांस से और उनका ऐसे असमय चला जाना बहुत खलेगा फ्रांस को भी। और ये जो ओलिवियर दसों हैं, फोर्ब्स 2020 की जो लिस्ट आती है सबसे अमीर लोगों की लिस्ट जो आती है उसमें 361वां इनको स्थान मिला था। और फ्रांस के बहुत अमीर लोगों में से एक हैं ओलिवियर दसों। और ओलिवियर दसों दरअसल इन दिनों छुट्टी मनाने के लिए गए हुए थे, उसी दौरान उनका जो निजी हेलीकॉप्टर है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस वजह से उनकी मौत हो गई। और आपको बता दें कि न सिर्फ वो राफेल बनाने वाली कंपनी के मालिक थे बल्कि फ्रांस की संसद के वो सदस्य भी थे। और दसों की मौत पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्विटर पर लिखा है कि ओलिवियर दसों फ्रांस से प्यार करते थे, उन्होंने उद्योगपति, स्थानीय निर्वाचित अधिकारी, कानून निर्माता, वायुसेना के कमांडर के तौर पर देश की सेवा की। उनका आकस्मिक निधन एक बहुत बड़ी क्षति है, उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। ये ट्वीट दरअसल उन्होंने इंग्लिश में किया था, मैं हिंदी में अनुवाद करके आपको इसका बता रहा हूँ। आपको बता दें अगर आप नहीं जानते ओलिवियर दसों को, तो 69 साल के थे ओलिवियर दसों। फ्रांस के बड़े उद्योगपति रहे हैं, अरबों की दौलत के मालिक रहे हैं, दसों एविएशन के भी वो मालिक रहे हैं, उनकी कंपनी में राफेल फाइटर प्लेन तैयार किए जाते हैं। और फ्रांस की संसद का सदस्य बनने के बाद उनकी जो राजनीतिक कारणों और हितों के किसी भी टकराव से बचने के लिए कंपनी के बोर्ड से उन्होंने अपना नाम जो है वो वापस ले लिया था। 2020 फोर्ब्स की सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में दसों को अपने दो भाइयों और बहन के साथ 361वां उनको स्थान मिला था। साथ ही साथ साल 2002 की अगर बात करें तो 2002 में उन्हें फ्रांस की नेशनल असेंबली के लिए भी चुना गया था और वो फ्रांस के ओइस एरिया का प्रतिनिधित्व करते थे। एक बड़ा झटका है उनके लिए भी, उनके परिवार के लिए भी, फ्रांस के लोगों के लिए भी और दसों एविएशन के लिए भी। इसीलिए इमैनुअल मैक्रों को ये लिखना पड़ा कि बहुत बड़ी क्षति है उनका ऐसे असमय चले जाना।